So students, in last lecture, we have discussed up to the point that France now has become the constitutional monarchy from the absolute monarchy. So France absolute monarchy से constitutional monarchy में convert हो जाता है. National Constituent Assembly जिसने बाद में अपने आप को एक नया नाम दिया, that was convention, वो कैसे एक नया constitution बनाती है. तो उसके बाद फिर क्या होता है यहाँ पर, देखिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई थी, जो नेशनल असेंबली थी, ये सितंबर 1791 में बनी थी. इसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और किंग को रिस्टोर कर दिया था एज द हेड ऑफ स्टेट. ठीक है, बट ये जो सिस्टम था ना, ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाया. ये एक साल में ही कोलैप्स कर गया, फेल हो गया. क्यों? क्योंकि अलग अलग डिमांड्स थी, अलग अलग पार्टीज की, ग्रुप्स के अंदर ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी इनकी अलग ही डिमांड्स थी. जैसे जेरोंडिन्स में भी कुछ लोग कुछ और बात कर रहे थे, जैकोबिन क्लब में भी कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं किंग को नहीं हटाना है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की रखनी है. कुछ कह रहे थे कि नहीं किंग को थोड़ी बहुत पावर दे देते हैं, कुछ कह रहे थे कि नहीं पार्लियामेंट को ही, मतलब जो हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे उसी को पूरी पावर देनी है. तो लुइस भी जो था वो भी सीक्रेटली हेल्प ले रहा था. तो ये सब चीजें मतलब थिंग्स वर नॉट वेरी क्लियर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. ठीक है, फिर नेबरिंग जो मोनार्क्स थे, जो अदर यूरोपियन कंट्रीज के मोनार्क्स थे, वो भी बहुत डरे हुए थे कि ये जो नार्की और रेवोल्यूशनरी चल रहा है वहां पे फ्रांस में, इससे हमें भी डर हो सकता है. ठीक है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया और जो प्रूशिया थे, इन्होंने भी डिक्लेयर किया अपना सपोर्ट फ्रांस के लिए, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया, और एक डिक्लेरेशन दी जिसको डिक्लेरेशन ऑफ पिलनिट्स के नाम से जाना जाता है. फिर फ्रांस ने अटैक किया ऑस्ट्रिया और प्रूशिया पे इन अप्रैल. फ्रांस ने यानी कि जो वहां के लोग थे, उन्होंने अटैक किया ऑस्ट्रिया और प्रूशिया में कब, अप्रैल 1792 में. फिर लेट 1792 में क्या होता है, जो यानी अगस्त में, यानी अगस्त 92 में किंग और उसकी फैमिली जो थी उस पर अटैक बाय द रेडिकल्स इन पेरिस. उन पर पेरिस में जो रेडिकल ग्रुप्स थे उन्होंने उन पर अटैक किया. राजा जो किंग और उसकी फैमिली थी, मोनार्की को सस्पेंड किया गया. किंग ने बहुत कोशिश की कि भाई वो हेल्प करे. किंग हैड ट्राइड टू हेल्प प्रूशिया और ऑस्ट्रिया की मदद करने की काफी कोशिश की. लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसको सस्पेंड कर दिया गया और जो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाया गया और इलेक्शंस अनाउंस किए गए. उसके बाद फिर क्या होता है, जो किंग लुइस था उसको ट्रायल पे, मतलब उसको ट्रायल किया गया और फाइनली जनवरी 1793 में जो लुइस 16 था, जो मोनार्क था, उसको फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है. मतलब ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ, उसको मार दिया जाता है. ट्रायल चला था प्रॉपर. फिर ब्रिटिश, डच और स्पेन जो थे उन्होंने भी ज्वाइन किया. देखिए जब राजा को मार दिया तो ये बात अदर कंट्रीज में भी गई कि तो ब्रिटिश, ब्रिटेन, डच यानी कि जो आपका ये नीदरलैंड था, स्पेन था, इन्होंने भी ऑस्ट्रिया प्रूशिया का साथ दिया और इन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया जिसको कॉलिशन बोलते थे. किसके अगेंस्ट में? फ्रांस के अगेंस्ट में. कब? जब लुई को एग्जीक्यूट कर दिया गया था. और इस वॉर को बोलते हैं द वॉर ऑफ फर्स्ट कॉलिशन. द वॉर ऑफ फर्स्ट कॉलिशन किसको बोलते हैं? जो पांच कंट्रीज का ग्रुप था, ब्रिटेन, नीदरलैंड, स्पेन, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. ओके, तो अब देखिए यहाँ पर, देखिए जो ये यहाँ पर मतलब एग्जीक्यूशन का सिस्टम था, मैंने यहाँ पर एक इमेज डाउनलोड की है. ये देखिए यहाँ पर एक गिलेटाइन सिस्टम था, इसको गिलेटाइन बोलते थे. यानी कि इनका मानना ये था कि भाई आप तड़पा तड़पा के मत मारिए, वन टाइम एक ही साथ मार दीजिए. ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये कुछ ऐसे मारते थे कि ऊपर एक ब्लेड लगा हुआ होता था यहाँ पर और फिर एकदम से मतलब नीचे जिसको एग्जीक्यूट करना था. इनफैक्ट ये लुई का ही एग्जीक्यूशन किया जा रहा है. तो ऊपर से ब्लेड वो एकदम से आता था और एकदम से जो नेक होता था उसको अलग कर देता था, बाकी का जो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट होता था वो अलग हो जाता था. तो ये मतलब तरीका था, इसको गिलेटाइन सिस्टम बोलते थे. और ये इनफैक्ट एक पर्सन थे गिलेटाइन नाम के, उन्होंने ही इसको इन्वेंट किया था, उन्हीं के नाम पे ये सिस्टम था. और जब भी हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो गिलेटाइन का नाम आता ही है. ओके, फिर नेक्स्ट आता है इसमें कि अब उसके बाद फिर क्या होता है. फिर हमने पढ़ा था लैम मार्सलाइज, जो ये सॉन्ग बनाया था, जो क्लॉड डे लेजल थे उन्होंने एक सॉन्ग बनाया था. ये जो सोल्जर्स थे वो गा रहे थे इसको मार्सलाइज जगह पे. तो फिर बाद में इसी को वो बना दिया गया था वहां का जो नेशनल एंथम था. फिर नेशनल कन्वेंशन बनी थी सितंबर 1792 से अक्टूबर 1795, यानी करीब आपका 4 साल तक रही थी. और ये थर्ड गवर्नमेंट थी रेवोल्यूशन की और इसको इलेक्टेड किया था, यानी नेशनल कन्वेंशन जो थी इलेक्टेड थी. जितने भी 21 ईयर प्लस यानी कि 21 साल से ऊपर के जितने भी जो मेल थे वो इसमें वोटिंग कर सकते थे. उसके बाद जो मोनार्की थी वो एबॉलिश कर दी गई और ट्रू रिपब्लिक यानी कि रियल में जो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको बनाया गया. फिर एक छोटा सा ग्रुप था जिसको कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी कहते हैं, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, उसको बनाया गया. और इसका काम क्या था, ये जितने भी जो कंट्रोल करता था, जो भी मेजर डिसीजंस होते थे उनको कंट्रोल करता था. कौन करता था? कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी.
टी, ठीक है। फिर ये जो कमेटी थी, इस कमेटी में मेनली कौन लोग थे, ये जैकोबिन क्लब के लोग थे, ठीक है, तो ये जैकोबिन क्लब के लोग थे। फिर देखिए 19 जून 1793 से लेके July 1794 तक का जो टाइम होता है इसको बोलते हैं रन ऑफ टेरर। क्यों रन ऑफ टेरर बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस टाइम जो पावर आ गई थी वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के हाथ में आ गई थी। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर कौन था, जो जैकोबिन क्लब का लीडर था, ठीक है, इसके हाथ में पावर आ गई थी। देखिए स्टार्टिंग में तो इसने मतलब ठीक ठाक काम किया, लेकिन लेटर ऑन ही बिकम द डिक्टेटर। तो इसने क्या किया, देखिए ऐसा माना जाता है कि करीब 16,000 जो एनिमीज इसको लगते थे कि भाई ये रेवोल्यूशन नहीं चाहते हैं, ये लोग रेवोल्यूशन के अगेंस्ट है, या इसको जरा सा पता भी चलता था ना कि भाई ये लोग रेवोल्यूशन नहीं होने देना चाहते, चाहे वो उसके अपने लोग हों या उसको कहीं भी पता चल जाए, वो तुरंत ऑर्डर दे देता था इनको एग्जीक्यूट करने का। तो इसके टाइम पर बहुत सारे, ये जो 93-94 का टाइम है, काफी लोगों को माना जाता है करीब 16,000 लोगों को इसने एक साल में एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक है, और गिलेटाइन करा देता था, यानी कि वही जो मैंने अभी आपको दिखाया था एग्जीक्यूशन वाला सिस्टम। और ये जो इसने मैरी एंटोइनेट जो किंग की वाइफ थी ना, लुई को तो पहले एग्जीक्यूट कर दिया था, लुई की वाइफ पर भी ट्रायल चलाया और उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया, और जिसने चर्च वगैरह जो थे वहां पे उनको डिस्ट्रॉय किया और उनको फाइनली बंद कराया। देखिए मैंने यहाँ पर एक अगेन फिर से एक इमेज डाउनलोड की थी कि रन ऑफ टेरर के टाइम पे क्या कंडीशन थी, देखिए लोग कैसे मरे, मतलब किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। तो ये मतलब बहुत ऐसा टाइम था जब लोग जो थे बहुत ज्यादा डर में जी रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे जितने भी जो थे, जितने भी उसको लगता था, मैंने बताया जैसे नोबल क्लर्जी उसको लगता था ये रेवोल्यूशन के अगेंस्ट है, तो उन सबको उसने कहा इनको अरेस्ट करो और इनको खत्म करो, सबको मारो। फिर जब कोर्ट ने उसको देखा कि भाई ये लोग गलत हैं, तो उनको गुलेटाइन करा दिया जाता था, वही रॉबेस्पियर का। देखिए रॉबेस जिसकी गवर्नमेंट होती है सारे डिसीजन उसी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। फिर मीट ब्रेड ये सब चीजें रेशनाइज रेशन की गई, रेशन मतलब इनको एक रीजनेबल प्राइस पर डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया। पीजेंट्स को, देखिए पीजेंट्स को एक किसका नहीं ना थोड़ा सा गलत ये किया था, देखिए मैं आपको बात बताती हूँ, इसको रेन ऑफ टेरर और भी क्यों कहते हैं। पहली बात तो लोगों को मारा, ठीक। फिर क्या किया, स्लेवरी, इसने एक काम ठीक किया था, स्लेवरी को इसने अबॉलिश किया था, लेकिन नेपोलियन जब बाद में आया था उसने उसको फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया था। ये जो रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन था, यानी जो रेन ऑफ टेरर था 93 से 94 के बीच में, इसमें इसने मैक्सिमिलियन ने एक नया कैलेंडर दिया। इस कैलेंडर में 10 घंटे यानी कि 10 आवर अ डे होता है, एक दिन में 10 घंटे होते हैं, 100 मिनट्स होते हैं एक घंटे में, और 10 डेज अ वीक, ठीक है। यानी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था उसको हटा दी और अपना एक नया कैलेंडर लाया, लेकिन ये कैलेंडर बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला था, कुछ ही टाइम बाद इसको मतलब इसको हटा दिया गया था। फिर फूड शॉर्टेज हुई इसके टाइम पे, क्यों, क्योंकि फूड जो था वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में ट्रांसफर किया जा रहा था कि भाई जो सोल्जर्स वॉर लड़ते हैं उनको वहां पर फूड की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। फिर रेगुलेशन, इसने प्राइसेस को रेगुलेट किया अपने हिसाब से, चीजों का प्राइस सेटअप किया। फाइनली पीपल जो थे, अब लोगों को गुस्सा आने लगा, ठीक है, जब रोटी नहीं मिलेगी ना ऑब्वियसली यू विल गेट द फ्रस्ट्रेटेड, तो लोगों को गुस्सा आया कि भाई ये जैकोबिन क्लब तो बेकार काम कर रहा है। फिर जैकोबिन्स को बैंड कर दिया गया और रॉबेस्पियर को भी, देखिए जो जिस सिस्टम के थ्रू ये लोगों को मार रहा था फाइनली इसको भी उसी तरीके से मारा गया, इसको भी गिलेटाइन किया गया। फिर नेक्स्ट क्या होता है, फिर नेक्स्ट होता है इसमें डायरेक्टरी रूल्स करता है फ्रांस में। अभी डायरेक्टरी क्या होती है, देखिए डायरेक्टरी 1795 से 99 के बीच में बनी थी, ये मतलब ये सिस्टम चला था, और इसने नया, इसने फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कितने कॉन्स्टिट्यूशन बने पता नहीं, कितने इन लोगों बनाए थे, तो काफी कॉन्स्टिट्यूशंस बने थे, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बनता है डायरेक्टरी के हिसाब से। अभी डायरेक्टरी क्या थी, इसमें जो अफ्लुएंट यानी जो हाई क्लास मिडिल क्लास पीपल थे उन्होंने अपने हाथ में कंट्रोल लिया, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोटिंग, यानी गरीब आदमी जो है उसको वोटिंग राइट नहीं दिया गया। बाय कैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया, मतलब टू हाउसेज, जैसे आज लोकसभा राज्यसभा पढ़ते हैं तो वो लेजिस्लेचर इस डायरेक्टरी सिस्टम ने बनाया। फिर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी एस्टैब्लिश की गई, यानी जो देखिए अब भाई जो मैक्सिमिलियन का रन ऑफ टेरर था, क्यों था, क्योंकि एक के हाथ में पावर सेंट्रलाइज कर दी थी, ये गलती दोबारे ना हो। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, रूल कैसे किया, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बना के, और उस एग्जीक्यूटिव बॉडी में 5 डायरेक्टर्स बना दिए, यानी कि 5 लोगों को डायरेक्टर बना दिया ताकि डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश ना हो रॉबेस्पियर जैसी। और फिर नेपोलियन ने लीड किया, ये जो फ्रेंच की विक्ट्रीज थी इटली और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में, और एंडिंग द वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिशन। फर्स्ट कोलिशन जो हमने अभी पढ़ा था ना, 5 कंट्रीज का, ब्रिटेन, नीदरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया एंड वन मोर वॉज देयर, प्रूशिया। तो ये जो फर्स्ट कोलिशन का वॉर था इसको लीड किसने किया था, नेपोलियन ने लीड किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल या डायरेक्टरी बनी थी, इसी को इसको डायरेक्टरी रूल बोला जाता है ना। उसके बाद फिर इसमें
नेक्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ वेमेन भी हुआ था यहाँ पर, मतलब वेमेन ने भी रेवोल्यूशन किया था. इनफैक्ट मैंने यहाँ पर फोटो भी कैप्चर की है कि वेमेन भी जो थी वो भी काफी फ्रस्ट्रेटेड थी, वो भी अपना एक इक्वालिटी चाहती थी. ये देखिए जिसको, जिस वेमेन के हाथ जो भी वेपन्स लगे, जो भी इनको उठाया, ये लोग चल दिए गुस्से में सिस्टम के अगेंस्ट में कि भाई हमें भी इक्वालिटी चाहिए, हमें भी इक्वल सिटीजन का एक स्टेटस चाहिए. ठीक है, तो थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी बहुत मुश्किल से ही, कोई सिलाई करती थी, सीमस्ट्रेस थी, लॉन्ड्रेसेस थी, सोल्ड फ्लावर्स बेचती थी, कोई फ्रूट वेजिटेबल बेचारे बेचती थी, ऐसा ये सब काम करती थी. उसके बाद फिर दे वर डिसअपॉइंटेड कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमको सिर्फ पैसिव सिटीजन माना गया, तो इनके भी अपने ग्रीवेंसेस थे. उसके बाद फिर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. देखिए यहाँ से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक कॉन्सुलेट सिस्टम भी बना था 1799 से 1804 के बीच में. 30 साल तक जो ओल्ड मिलिट्री जनरल था नेपोलियन बोनापार्ट जो था, उसने एक तख्ता पलट किया था, एक कूप किया था डायरेक्टरी के अगेंस्ट में और अपना कॉन्सुलेट बनाया था. देखिए नेपोलियन ने जो डायरेक्टरी बनी थी ना, अभी हमने पढ़ा था 1795 से 99 के बीच में, तो नेपोलियन ने क्या किया, उसको कूप कर दिया, उसको मतलब तख्ता पलट कर दिया और अपना एक नया रूल बनाया जिसको नाम दिया गया था कॉन्सुलेट. इसमें 3 कॉन्सल्स होते थे और नेपोलियन ने अपने आप को फर्स्ट कॉन्सल बनाया था फ्रांस का, और 1804 में उसने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, एम्परर ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, अब उससे पहले हम अब यहाँ पर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी पढ़ते हैं. स्लेवरी भी देखिए क्या था, स्लेवरी जो था रॉबस्पियर, उसने इसको उसने उसको एबॉलिश कर दिया था. 17 सेंचुरी से ये चीजें, ये स्लेवरी शुरू हुआ था, स्लेव ट्रेड शुरू हुआ था. जो कॉलोनीज थी जैसे कैरिबियन, मार्टिनिक, गडलप और सेंट डोमिंगो, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थे कमोडिटीज, यानी ये लोग काम करते थे इंडिगो, शुगर, टोबैको, ये जो फैक्ट्रीज लगी हुई थी कॉफी की, और ये 3 मतलब ट्रायंगुलर ट्रेड चलता था यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. यानी कि इन तीनों देशों में स्लेव लाए जाते थे और जहां पर इंडस्ट्री या जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता था वहां पर काम करते थे, फिर वहां से जो फाइनल गुड्स होता था वो रेडी होके मार्केट्स में जाके सेल किए जाते थे. तो ये जो स्लेव ट्रेड था, मतलब ये बेचारे शिप्स पर 3-3 महीने की लंबी जो वॉयज होती थी, समुद्री यात्रा होती थी, उसको क्रॉस करके अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके कैरिबियन ओशन में, कैरिबियन में पहुंचते थे. कैरिबियन आपका जो मिडल अमेरिका, अमेरिकन पार्ट है, जो जैसे आपका जिम्बाब्वे हो गया, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, वही कैरिबियन कंट्रीज में आती है. तो ये सब कंडीशंस वहां पर चल रही थी और फाइनली स्लेवरी को खत्म किया गया था फ्रांस में 1848 में. ठीक है, फिर हमने नेपोलियन बोनापार्ट का देखा, अब हम नेपोलियन बोनापार्ट के पढ़ेंगे और नेपोलियन का जो हिस्ट्री है, और ये हम लोग लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. थैंक यू.